नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपसे इस पर बात करने वाला हूं व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जो कि व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया है, जिसका नोटिफिकेशन या फिर प्रॉम्प्ट आपको कुछ इस तरह से आया होगा, जिसमें आपको एग्री और नॉट नाउ करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसे 8 फरवरी तक एग्री यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा। इस नए प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर व्हाट्सएप आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करने वाला है, जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपका ढेर सारा डेटा कलेक्ट करने वाला है, जिसमें आपका लोकेशन, आपके स्मार्टफोन का आईपी एड्रेस और आपके पेमेंट और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूजेस, स्टेटस अपडेट, ग्रुप डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट इन्फो, इस तरह का ढेर सारा डेटा कलेक्ट करेगा। और उसके बाद, जैसे कि आपको पता है, व्हाट्सएप का पैरेंट जो कंपनी है फेसबुक में एडवर्टाइजिंग के लिए और इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजिंग के लिए आपका डेटा को यूज करेंगे। अगर आप एक टेक गीक हो या फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पता ही होगा आपका एक छोटा सा डेटा इनके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है। इस डेटा कलेक्शन को देख के कई सारे स्मार्टफोन यूजर अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं और दूसरे ऐप्स को ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल ऐप। फेसबुक ने कई बार अपने यूजर्स का जो डेटा है उसे मिसयूज किया है। ऐसे में आप कह नहीं सकते कि व्हाट्सएप का जो डेटा है फेसबुक मिसयूज नहीं करेगा, तो आपका जो डेटा मिसयूज का खतरा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा, क्या आप व्हाट्सएप को छोड़ के आप टेलीग्राम या फिर सिग्नल ऐप को यूज कर सकते हैं, क्या ये सेफ़ है? जी बिल्कुल हाँ, ये सेफ़ है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। इस जो डेटा कलेक्शन है व्हाट्सएप के मुकाबले बहुत ही कम है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में क्या डिफरेंट है। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो टेलीग्राम ऐप है ये रशियन कंपनी का है, इसे 2013 में लॉन्च किया गया, और जो व्हाट्सएप है इसे 2009 में लॉन्च किया गया है। ये इसका जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक है। टेलीग्राम में जो फाइल शेयरिंग है आपको अप टू 1.5 GB देखने को मिल जाता है, और जो व्हाट्सएप है उसमें आपको अप टू 16 MB देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप अपना खुद का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना खुद का चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप यूज़र नेम और फ़ोन नंबर के आधार पे किसी के साथ चैट करना स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप फ़ोन नंबर के आधार पे चैट करना स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट को आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अकाउंट को आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप का जो मल्टीपल डिवाइस लॉगिन फीचर है बहुत ही जल्द आने वाला है। टेलीग्राम पे आप किसी भी मैसेज को एडिट कर सकते हैं और उसे अनसेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम, और व्हाट्सएप पे आप किसी भी मैसेज को एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अनसेंड करना है व्हाट्सएप पे तो उसके लिए आपको 1 घंटे के अंदर करना होगा, नहीं तो आप 1 घंटे के बाद अगर करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। टेलीग्राम पे जो चैट हिस्ट्री है उसे आप बोथ साइड से क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जो चैट हिस्ट्री है उसे आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने चैट को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको क्लाउड स्टोरेज नहीं देखने को मिलता। टेलीग्राम पे आप बहुत आसानी से किसी भी मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप किसी भी मैसेज को शेड्यूल नहीं कर सकते। टेलीग्राम में आप एक ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप सिर्फ 256 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको स्टेटस फीचर देखने को नहीं मिलता, व्हाट्सएप में आपको स्टेटस फीचर देखने को मिलता है। टेलीग्राम में आप सीक्रेट चैट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो चैट है इन टू इन इंक्रिप्शन रहेगा। व्हाट्सएप में आपका जो भी चैट होते हैं वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड होते हैं, बट आपका जो पर्सनल डेटा होता है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच में डिफरेंट, जो कि आपको कुछ फीचर्स टेलीग्राम में देखने को मिलते हैं वो व्हाट्सएप में नहीं देखने को मिलते। सिग्नल ऐप को 2014 में डोनेशन के लिए अमेरिका में लॉन्च किया गया था। सिग्नल ऐप व्हाट्सएप के ही जैसे है, जिसमें आपको व्हाट्सएप के जैसे कई सारे सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अभी हाल में ही एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था यूज सिग्नल, जिसे देख के काफ़ी सारे यूजर्स सिग्नल ऐप को इंस्टॉल किए, जिसकी वजह से उनका जो सर्वर है उस पर लोड ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनका जो सर्वर है क्रैश हो गया। उसके बाद अभी ये इनका जो सर्वर है ठीक कर दिया गया, अभी काम कर रहा है। अगर आप सिग्नल ऐप को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अभी फाइनली बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या फिर नहीं। अगर आपका डेटा व्हाट्सएप को देना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है व्हाट्सएप,
टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स को लेकर तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।